जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इसका होता है एक एयरलाइंस को फ्लाई करने में, बिकॉज ये जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का जॉब है ये काफ़ी क्रिटिकल जॉब है, ये काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब है। ओके, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, मायसेल्फ राजीव रंजन एंड यू वॉचिंग द एविएशन माइंड। सो गाइस, आई एम रियली रियली सॉरी, मैं बहुत दिनों से, करीब 2 या 3 महीनों से इस चैनल पे, यानी कि द एविएशन माइंड चैनल पे कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट कंटेंट्स नहीं दे रहा हूँ, चाहे वो जॉब से रिलेटेड हो, चाहे वो एविएशन से रिलेटेड हो, चाहे वो एमी से रिलेटेड हो, चाहे वो पायलट से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब वैकेंसी एंड सैलरी से रिलेटेड हो। लेकिन गाइस, अब आपको रेगुलर वीडियोज़ मिलेगा, आज से रेगुलर वीडियोज़ मिलेगा। पहले मैंने बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं एमी के ऊपर, स्पेशली जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग करना चाहते हैं उसके ऊपर एक एमी सीरीज में बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं। अगर आप चाहते हो वीडियोस देखना, मेरे चैनल पे जाके एमी सीरीज करके वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट है, आप उसमें देख सकते हो, ठीक है। बट अब मैं कुछ नया शुरू करने जा रहा हूं। देखो, अभी 2024 आने वाला है, ठीक है, और 2022-23 में वो वीडियो मैं डाला था, लेकिन अभी एविएशन में बहुत सारा चेंजेस हुआ है, चाहे वो जॉब्स को लेकर देखें, सैलरी को लेकर देखें, या टाइप्स ऑफ जॉब्स को लेकर देखें, मतलब पूरा एविएशन एक तरह से चेंज हो गया है। और इस चेंज्ड एविएशन के ऊपर मैं शायद ही कोई ऐसा वीडियो है जो डाला हूँ। तो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है एविएशन ज्ञान, ठीक है। मतलब इसमें आपको ए टू जेड एविएशन का ज्ञान मिलेगा, स्पेशली एमी, पायलट, जॉब वैकेंसी, सैलरी, दिस दैट फलान ठिकान। सो ये सीरीज का पहला वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ जॉब्स इन इंडियन एविएशन सेक्टर और वर्ल्ड वाइड एविएशन सेक्टर में कौन कौन से ऐसे जॉब्स हैं जो एक 12th पास स्टूडेंट सोच सकता है करने के लिए इंडियन एविएशन सेक्टर में, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड से हो, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड से हो। तो आज के इस वीडियो में सिंपल एंड जनरल इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। सो गाइस, सबसे पहले अगर बात किया जाए एविएशन में जॉब्स के बारे में, तो जॉब्स जो हैं वो सोचना ये है कि ओरिजिनेट कहाँ से होता है, यानी कि एविएशन में जॉब्स मिलते कैसे हैं। देखो, सबसे सिंपल चीज़ है, एक एयरक्राफ्ट है, सपोज करो मैं इंडिगो का एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, एक इंडिगो का कोई एयरक्राफ्ट है, ठीक है, जस्ट एक इमेजिन करो कि ये एयरक्राफ्ट है। तो जो मेन जॉब का जो पूरा प्रोसेस है वो एक एयरक्राफ्ट से शुरू होता है। अगर एयरक्राफ्ट उड़ेगा, एयरक्राफ्ट फ्लाई करेगा, जितना ज़्यादा एयरक्राफ्ट फ्लाई करेंगे उतना ज़्यादा जॉब जनरेट होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जॉब्स के रिगार्डिंग, यानी कि जो एयरलाइन, जो एयरक्राफ्ट के इर्द गिर्द जॉब है, यानी कि ऑन फील्ड जॉब्स जो है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला अगर जॉब की बात करें ऑपरेशन डिपार्टमेंट में, तो वो है फ्लाइट कमांडर, यानी कि पायलट, ठीक है। तो पायलट में भी दो तरह के जॉब हैं, एक को पायलट और एक पायलट। एक एयरक्राफ्ट में कॉकपिट में दो सीट्स होते हैं, एक तरफ पायलट बैठता है, एक तरफ को पायलट बैठता है। तो पायलट बनने का क्या क्या प्रोसेस है, क्या कुछ है, वो आगे वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। आप इस वीडियो से बने रहें और आगे भी वीडियो से बने रहें तो आपको हर एक डिटेल बहुत ही अच्छे से मिलेगा। दूसरा जो जॉब है ऑपरेशन डिपार्टमेंट में वो है केबिन क्रू। जी हाँ गाइज, केबिन क्रू आप 12th के बाद बन सकते हो। अगर आपका ग्रेजुएशन है तो अभी बहुत सारे एयरलाइंस जैसे इंडिगो जैसे एयरलाइंस ग्रेजुएशन मांगती है कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छा होना चाहिए। मोस्टली ये जो जॉब्स है वो गर्ल्स के लिए है, बट कोई कोई एयरलाइंस ऐसा है जो बॉयज को भी प्रेफरेंस देती है। सो केबिन क्रू, एयर होस्टेस, फ्लाइट स्टूअर्ड आप बन सकते हो 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद। और अगर बात करें तीसरा जो ऑन फील्ड जॉब है वो है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इसका होता है एक एयरलाइंस को फ्लाई करने में, बिकॉज ये जो एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग का जॉब है ये काफ़ी क्रिटिकल जॉब है, ये काफ़ी स्ट्रेसफुल जॉब है। गलत सेंस में स्ट्रेसफुल जॉब नहीं है, एक रिस्पॉन्सिबल सेंस में एक स्ट्रेसफुल जॉब है, बिकॉज यहाँ पे आपके ऊपर 250-300 पैसेंजर्स का लाइफ डिपेंडेंट है। क्योंकि एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर जो होता है वो पूरे जहाज को चेक करता है, नोज टू टेल पूरे जहाज को चेक करता है, कुछ भी लीक वगैरह है, कुछ भी लॉकिंग वायर टूटा है, कुछ भी डिस्क्रिपेंसीज है वो अगर पाउंड करता है तो उसको बताता है। शेड्यूल मेंटेनेंस होते हैं जहाज के, हर सम मतलब अलग अलग एयरलाइंस का, अलग 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 एयरक्राफ्ट का अलग अलग आवर्स पे मेंटेनेंस होता है, तो वो सारा मेंटेनेंस, वो सारा चेक्स वो देखता है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप एमी बनना चाहते हो
तो 12th के बाद आप बहुत ही ईजिली एमी बन सकते हो, बिकॉज अभी यासा 147 के अकॉर्डिंग आप इंडिया में एमी कोर्स कर सकते हो। उसके बाद आप एक्सपीरियंस लेकर एक अच्छा पेपर्स निकाल के अच्छा एक एमी बन सकते हो। तो आप अगर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो फिर भी अगर आपको एयरलाइंस में जॉब करना है तो आप क्लीनर बन सकते हो, है ना। एयरलाइंस में ऑन फील्ड जॉब है, आप लोडर बन सकते हो, जो जहाज में सामान को लोड किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑन फील्ड जॉब। अब बात कर लेते हैं ऑफ फील्ड जॉब्स कितने कितने, यानी कि एयरलाइंस से रिलेटेड और भी एयरपोर्ट्स पे कौन कौन से जॉब हैं। तो आपको पता ही होगा बहुत सारे जॉब्स हैं। आप टिकटिंग डिपार्टमेंट में जा सकते हो, आप ग्राउंड स्टाफ में जा सकते हो। तो मेनली जो एयरलाइन से रिलेटेड ऑफ फील्ड जॉब हैं वो है आपका फ्लाइट डिस्पैचर, ठीक है। वो पूरा फ्लाइट का जो प्लान है वो पूरा प्रिपेयर करता है, कितना वेट है, कितना क्या है, है ना। वो भी आप 12th के बाद बन सकते हो। किस तरह से बन सकते हो, क्या बन सकते हो, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। बस इस वीडियो में आप जान लो कि आप फ्लाइट डिस्पैचर बन सकते हो। अगर कुछ छूट जाए इस वीडियो में, बिकॉज मैं उतना स्क्रिप्ट रेडी नहीं किया हूँ, है ना, जो मैं सोच रहा हूँ उसके हिसाब से मैं आपको डिलीवर कर रहा हूँ। आप बैगेज डिपार्टमेंट में जा सकते हो, जो बैगेज का पूरा देखभाल करता है, है ना, किस तरह से बैगेज आपका जा रहा है, किस तरह से वो बेल्ट पे जा रहा है, क्या है, वो सब मैनेज करते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे जॉब्स हैं आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो आप में से जो भी या 12th पास हो या ग्रेजुएशन हो या कुछ भी किए हो आप, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो कि अगर आपको जॉब करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो कि भाई मुझे, मेरा क्वालिफिकेशन ये है, मुझे कौन सा जॉब मिल सकता है। तो अगर जो इस वीडियो में जॉब छूट गया है उसको मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ को, जितने सारे जॉब्स हैं उसको कवर करने के लिए विद फुल रिसर्च। लेकिन क्योंकि मुझे सीरीज आज स्टार्ट करना था तो इसलिए मैं आज एक सोचा कि नहीं, आज तो वीडियो शूट करना है, आपको जनरल इन्फॉर्मेशन देना है 2024 के हिसाब से, ठीक है। सो आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप मुझे लाइक कर सकते हो, बिकॉज बहुत दिनों बाद मैं ट्राई कर रहा हूँ वीडियो शूट करने का, बिकॉज टाइम नहीं मिल रहा था मेरा ट्रांसफ़र। मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाया हूँ कि मेरा ट्रांसफ़र के ऊपर क्या है क्या नहीं है, आप वो वीडियो देख लेना। इसके बाद वो वीडियो आएगा, हालांकि वीडियो शूट हो चुका है लेकिन अभी तक अपलोड नहीं किया हूँ, तो वो वीडियो आप देख सकते हो मेरा जर्नी के ऊपर कि 2-3 महीनों में किस तरह से क्या मेरा जर्नी रहा है, ठीक है। सो अभी जो वीडियो छूट गया, जो जॉब्स छूट गए हैं, वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा, ठीक है। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, बहुत दिनों बाद ऐसे वीडियो देखकर अच्छा लगा हो। आपको कोई भी डाउट हो एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसीज एंड सैलरी से रिलेटेड और जॉब्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझे सीधा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। जो मेरे इंस्टाग्राम का आईडी है वो यहाँ पे आ रहा होगा, इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन हो आपको, आप मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी नए और एक्साइटिंग वीडियो में। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, डू डबल, बट प्लीज डोंट ट्रबल एनी बडी। सी यू। जय हिंद।